नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सामाजिक पेंशन में एक बड़ी खुशखबरी की न्यूज आई है। 16 जनवरी 2020 आज की ये न्यूज है। बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर संकेत मिले, यानी कि दोबारा से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है ये पूरी न्यूज जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये आज की न्यूज है, देखिए पब्लिश हुई है 16 जनवरी 2020 10:31 जागरण में हुई है ये, दैनिक जागरण में। ये देखिए क्या है ये न्यूज जान लेते हैं। हरियाणा में सामाजिक पेंशन पाने वाले लोगों को राज्य सरकार के बजट में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हरियाणा सरकार के बजट 2020 में सामाजिक पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने संकेत दिए हैं कि बजट में बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के आसार हैं। भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार ने हाल ही में पेंशन में ₹250 एक साल की ये बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि पूरे 2020 में ₹250 बढ़ाई थी 2020 के लिए, जो दोनों नेताओं ने उसे केवल नए साल का तोहफा बताया है। ठीक है दोस्तों, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने भी बजट में पेंशन बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि 23 जनवरी को होने वाली बैठक में भाजपा व जजपा नेता मिलकर पेंशन में बढ़ोतरी का फार्मूला तय करेंगे। पेंशन में मामूली बढ़ोतरी को विपक्ष दलों ने जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं इस न्यूज में क्या है। विज ने कहा कि पेंशन में ₹250 की बढ़ोतरी केवल नए साल का तोहफा है। पेंशन में कितना इजाफा होगा अभी और कितना इजाफा होगा यह तो नहीं कह सकते, लेकिन बढ़ोतरी जरूर की जाएगी। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछली सरकारों ने पेंशन बढ़ोतरी के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया है, अभी पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट पेश किया जाना है, इस बजट में पेंशन की बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस न्यूज से बस यही पता चला है कि ये सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी तो जरूर होगी, लेकिन कितनी होगी ये नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, ये पेंशन विभाग से रिलेटेड एक न्यूज आई थी जो आप लोगों से शेयर की। अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।